आज दिनांक 1 दिसंबर शुक्रवार को झरिया के लोधना क्षेत्र अंतर्गत 9 नवंबर साइडिंग में जनता श्रमिक संघ द्वारा आयोजित मिलन समारोह में भाजपा नेत्री सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री श्रीमती रागनी सिंह के समक्ष एवं कांग्रेस से जुड़े सैकड़ों मजदूर भाई बहनों एवं कार्यकर्ताओं ने अजय पासवान के नेतृत्व में NTST परियोजना एरिया 6 नंबर और 9 नंबर साइडिंग में कार्यरत मजदूर भाई बहनों ने कांग्रेस को त्याग कर भाजपा नेत्री सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री श्रीमती रागनी सिंह में अपनी आस्था व्यक्त कर जनता श्रमिक संघ एवं भाजपा में शामिल हुए, जहां मजदूर भाइयों ने श्रीमती रागनी सिंह को 51 किलो का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं श्रीमती सिंह ने शामिल हुए सभी मजदूर भाई बहनों को माला पहनाकर संघ में स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती सिंह ने कहा कि सीमांचल परिवार एवं चलता समसंग मजदूर हित में लड़ाई लड़ती है और आगे भी आप सबके सहयोग में हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक मेरी या संघ की आवश्यकता पड़ेगी आप मुझे और संघ के एक ही कार्यकर्ता को अपने समक्ष पाएंगे। वहीं मंच का संचालन श्री रोहित बिंद ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय सचिव श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, पूर्व पार्षद श्री संजय यादव, श्री राजाराम पासवान, श्री रविकांत पासवान, बबलू भगत, गोपाल चौधरी, चंपा देवी, मंजू देवी, निर्मला देवी के अलावा सैकड़ों की संख्या में मजदूर भाई बहन एवं कार्यकर्ता मौजूद। उदाहरण बताया है कि पीएफ का भी कई उदाहरण है कि उनका समस्या है, पीएफ कट रहा है, तो बसों से लोगों को परेशानी हो रही है। आश्वासन आपको लेकिन विधायक जी भी बहुत लड़ाई लड़े हैं, इसका कई उदाहरण है, जो हम गिने तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप सब बहुत यहाँ पुरान वरिष्ठ बैठे हुए हैं, सभी लोग देखे हुए हैं। यहाँ हमारे आदरणीय प्रदीप भैया जी बैठे हैं, ये भी काफी पुराने हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, ये हमारे कई लड़ाई में सहयोगी बने हैं, हमारे विधायक जी का साथ दिए हैं, ये देखे हुए हैं कि किस तरह से हम लोग लड़ाई लड़े हैं। आज यही देर है कि लोग हम तो अपने संगठन के लिए। सबसे पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोई गुट नहीं है, फर्जी गुट है, उसको हम कोई, क्योंकि वो हमारे बाबूजी का संगठन है इसीलिए कोई गलत इस्तेमाल करता है इसीलिए उसे फर्जी गुट हम बोलते हैं। फर्जी गुट छोड़कर हमारे जनता श्रमिक संघ पर आस्था जताया है। तो सबसे पहले मैं बड़े भाई अजय पासवान जी को दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हजारों की संख्या में आज हमारे संगठन को उन्होंने आस्था जताया हम पे और हमारे संगठन पे, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें दूंगी। और जिस तरह से यहाँ मजदूर पे शोषण और यूँ कहे तो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले लोग लूट खसोर और मजदूर के पेट पे लात मारने का जो काम कर रहे थे वो उन्हें समय आया, सही समय पर उनका आँख खुला और मेरे पे आस्था जताया है। आने वाले समय पे मजदूर कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब देंगे और मजदूर हित की लड़ाई हम लोगों ने शुरू से लड़ा है और आने वाले समय में हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सही हक दिलाने का काम करेंगे। मजदूर का सबसे दिक्कत है पीएफ कटता को, देखिए पीएफ कटता नहीं है, कुछ नेता के दलाली की वजह से पीएफ कटता है, जो दलाल लोग दलाली जो करते हैं वो दलाल अब हम लोग दाल नहीं गलने देंगे। बहुत जल्द मजदूर के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और उनका सही हक दिलाने का काम करेंगे।